विष्णु भगवान वहां आ गए हैं और विष्णु भगवान जैसे ही आए तो अपनी अमृत दृष्टि से देखा जो मरे पड़े हुए थे उन सबको जिंदा कर दिया। सब देवता जिंदा हो गए और जैसे जिंदा हुए हैं तो भगवान विष्णु ने क्या किया है, बाएं हाथ से मद्राचल पहाड़ को उठा करके और गरुड़ की पीठ पर रख करके सब देवताओं को बिठा करके समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। गरुड़ को वहां से भेज दिया। उसके बाद देवताओं से कहा कि अब तुम वासु के पास जाओ और वासु से जाकर के कहो तब ये समुद्र मंथन होगा। सब देवता वासु के पास पहुंचे हैं और वासु के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले हैं कि बोले करे जोड़ और राजा बासुक से जैसे ही कहा है, राजा बासुक तैयार हो गए और राजा बासुक आए हैं तो राजा बासुक की रस्सी बना ले, सर्प की रस्सी बना करके मद्राचल पहाड़ को समुद्र में डाल करके और समुद्र की मथानी बना करके गद की तरह मथने लगे। समुद्र मंथन जिस समय करने लगे हैं सब देवता बोले राक्षसों से कि क्यों भैया तुम किधर लगोगे। राक्षसों ने यह समझा कि देवता लगे गए सिर की ओर, हम लगे गए पूछ की ओर, हम तक उसे कमजोर जो हम पूछ की ओर लगेंगे हम तो सिर की ओर लगेंगे, लगे तो देवता लगे पूछ की ओर, तो सब राक्षस सिर की ओर लग गए और देवता लगे पूछ की ओर। जैसी पूंछ की ओर लगे अब तो समुद्र को मथने लगे हैं और सब राक्षस समुद्र मंथन करते समय नाग के सिर को खींचने लगे। जब खींचने लगे ही तो हुआ क्या है, Thank you.
Thank you.